जी हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ, ये पुराने मेरे रिंग्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और एक टूट भी गया है इनमें से, और इसका है ना एक शीशा निकल गया। तो मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि इसका रीयूज़ किया जाए। तो मैं ऐसे ही इसको देख रही थी तो मेरा आइडिया आया, तो आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। तो ये ले लिया मैंने वेलवेट का कपड़ा और एक ये कार्टून का टुकड़ा और ग्लू ले लिया है और ये लेस ले लिया। अगर यूज़ ज़रूरत पड़ी तो करूँगी, नहीं तो कोई ज़्यादा नीड नहीं है, सिंपल सा ही रखूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो ये जो मिरर है इसमें निकल गया था तो इसको भी मुझे निकालना पड़ेगा और देखते हैं कैसा बनता है। वीडियो में एंड तक बने रहना और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो हम ऐसे ही किसी भी चीज़ से ऐसे सर्कल बना लेंगे। तो आपके ऊपर है, आप छोटा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ का ही रखा, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, क्योंकि मेरा फेस छोटा है ना तो छोटा ही सही लगता है, और ज़्यादा बड़ा बना लूँगी तो काफ़ी हैवी लगता है और मैं इतना हैवी पहन भी नहीं पाती हूँ, तो बहुत शर्म आती है। तो कोशिश की है कि अगर, तो मैंने ऐसी ये कट कर लिए। तो आपकी मर्जी है छोटे ले या बड़े ले, तो मैंने मीडियम ही रखा है, शीशा जितना है ना इससे थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो ताकि मेरे फेस पर सही लगे, ज़्यादा बड़े ना लगे। तो हम इनको वही कट कर लेंगे ऐसे ही, और एक कट हो चुका है तो ऐसे ही मैं दूसरा भी कट कर लूँगी। और यार प्लीज़ यार वीडियो को है ना पूरा देखा करो, तभी पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है पूरा वीडियो में। और एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता यार, और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। जो भी नया है मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे आइडिया भी दीजिए कि कैसे किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ, या फिर कोई भी बेकार चीज़ है उसको कैसे यूज़ कर हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ में अपने ला सकते हैं। तो जी ये मैंने कट कर लिए, इसी के साइज का मैं कपड़ा कट कर लूँगी, जितना भी ये है उसी हिसाब से कट कर लेंगे। तो थोड़ा है ना इससे ज़्यादा नहीं कट करना है, नहीं तो है ना फिर पीछे मोटा मोटा हो जाएगा, तो कम ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ऐसे ही मैंने ये कट कर लिया, इसमें से भी मैं आधा करूँगी इसको, क्योंकि आगे चिपकाने के बाद आप देखना उसमें पीछे है ना थोड़ा रह जाता है, तो वहाँ मैं सर्कल में ही कट करके उसको फिर चिपका दूँगी। तो ऐसे ही हम इसमें कार्टून पे यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, इसके बाद कपड़ा। और हाँ सच बताऊँ, ग्लू लगाने के बाद है ना गत्ते से कपड़ा इतना इजीली चिपक गया ना, बहुत ईजी, मुझे लगा शायद टाइम लगाएगा बट तभी चिपक गया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये देखा ना अपने पीछे से कैसे हो गया, ये राउंड राउंड हो गया। तो इसको कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा कपड़ा और कट करूँगी ताकि ये अच्छे से और दिखे, फिनिशिंग दिखे, तो कुछ भी ऐसा ना दिखे, क्योंकि ईयर रिंग्स हम हैंगिंग वाले ईयर रिंग्स पहनते हैं ना तो वो आगे पीछे हो जाता है और घूमता है पूरा, तो उसमें आगे पीछे का पूरा दिखता है। तो इसी के साइज का मैं और कट कर लूँगी, तो देखो ये हट रहा है ना बार बार, तो बड़े आगे से तो फटाफट चिपक गया था, पीछे से थोड़ा हो रहा था। तो मैं इसी के साइज़ का, देखो ये मैंने साइज ले लिया और इसी के साइज़ का मैं पीछे कट करूँगी। तो मिरर में देख रही थी लगा कर कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको ऐसे राउंड करके हमने इसको भी कट कर लिया, छोटा सा सर्कल के साइज का ले लिया। तो ये मैं पीछे इसका कवर कर दूँगी ताकि ये बुरा ना दिखे और अच्छा भी दिखे, और सही से सेफ्टी भी हो जाती है और अच्छा भी दिखे देखने में। तो हैंगिंग वाले जो होते हैं ना वो इयर रिंग्स आगे पीछे घूमते रहते हैं तो पीछे का भी दिखता है। तो फिर मैंने ये पुश किया और चिपका दिया, तो इजीली चिपक गया ये। तो इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे अब शीशा, तो देखते हैं। तो जी इसको फिर मैंने रख दिया और होने के बाद इसका थोड़ा वेट करते हैं सूखने का, तो मैं तब तक दूसरा कर लेती हूँ फटाफट।
Thank you.